कमानी सुंदरबाग के भारत कोल कंपाउंड में बने गालों को अवैध बताकर मनपा ने तोड़ा। स्थानिक लोगों का लगा आरोप कि 50 साल पुराने गालों को बिल्डर और राजनीतिक अपने फायदों के लिए किस तरीके से कर दिए, ये कार्रवाई मजलूम है परेशान। प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रेक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शनिवार को तड़के दोपहर में एक ऐसी कार्रवाई हुई जिस कार्रवाई में स्थानिक लोगों ने जमकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। बता दें ये कार्रवाई 150 वहां पर गाले जो कि 1962 से अधिक समय से बने हुए हैं, लेकिन 50 साल पुराने के गालों को इसलिए मनपा ने तोड़ दिया क्योंकि इनमें से 30 गाले जो है अवैध बने हुए थे। बहरहाल आरोप स्थानिक लोगों का है कि अगर ये 30 गाले अवैध थे तो इनकी हेयरिंग जो है कोर्ट में 25 अप्रैल को होने वाली थी और इसी के बावजूद कोर्ट की बिना सुने या कोर्ट के बिना आदेश के ये तमाम मनपा कर्मचारी इसलिए तोड़ू कार्रवाई किए क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक लोगों को और बिल्डर लोगों को फ़ायदा पहुँचाना था। अपुष्ट समाचारों से मिली जानकारी के अनुसार, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन स्थानिक लोगों का ऐसा भी मानना है कि स्थानिक वहाँ के विधायक है उनको और स्थानिक वहाँ के कुछ बिल्डर है फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तमाम जो भारत कोल कंपाउंड के गाले हैं पुराने उन्हें तोड़ा गया है। बहरहाल ये तमाम मामलात को लेकर अब कोर्ट ही फैसला सुनाएगा कि कैसे ये गाले को तोड़ा गया या क्या ये गाले अवैध थे या नहीं। लेकिन 150 गालों में से 30 लोगों को नोटिस देना और उस पर तोड़ू कार्रवाई शनिवार के दिन करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि मनपा भ्रष्टाचारी में कैसी लिप्त है कि अवैध निर्माण आंखों के सामने बनता है लेकिन उस पर कोई हथौड़ा नहीं चलता, कोई JCB नहीं चलता। लेकिन अचानक जब राजनीतिक लोगों का या बिल्डरों का फ़ोन आता है मनपा प्रशासन को, तो मनपा इतनी एक्टिव हो जाती है कि 150 या 100 या 50 साल पुराने गालों को सिर्फ इतना सा अवैध नोटिस का देकर तोड़ दिया जाता है कि मानो कोई जो है अवैध निर्माण इनके मनपा के जो स्थानीय क्षेत्र है वहाँ पर हो नहीं रहा। हम आपको सुनाते हैं स्थानिक लोगों ने क्या आरोप लगाया। मैं रितेश जैन, मैं भी कुरला कमानी भारत कोल कंपाउंड यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे कम से कम भारत कोल कंपाउंड के अंदर 150 गाले हैं। ये गाला में से 30 गाले वालों को नोटिस आया हुआ है कि कुछ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का। तो ये जितने भी गाले हैं ये 1962 से यही जगह पे है एंड आज BMC ने ये सब गाले का इल्लीगल तरीके से डिमोलिश कर दिए और इनको सीधा लैंड तक लेके आ गए, पूरा का पूरा डिमोलिश किया है। जबकि कोर्ट में ये केस चल रहा है, कोर्ट में 25 अप्रैल की तारीख है, फिर भी आज BMC ने पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया है और अभी और डिमोलिश करना बाकी भी है जो आज कैसे तो BMC को रोका गया एंड बिना कोई कोर्ट का ऑर्डर लिए, बिना कोई नोटिस दिए ये काम हुआ है। भारत कोल कंपाउंड कुरला, यहाँ जो सुबह इल्लीगल एक्शन लिया BMC और पुलिस ने मिलके पॉलिटिशियन के कहने पे और बिल्डर लोग के कहने पे, आज वहाँ के सब गरीब व्यवसाय वाले लोग सब रास्ते पे अपना माल लेके आ गए। देखिए इस तरह से उनकी पूरी जगह तोड़ दी, सब बुरी तरह से तोड़ दिया, एकदम पब्लिक एकदम हाल बेहाल है। रमजान के 5 महीने में ये हो रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक न्यूज़ के साथ।